राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। और एक सवाल मेरे पास आ रहा है बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स का, और वो ये है कि क्या जो हमारे अंकित भाटी सर हैं उनकी जो कट ऑफ है जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, क्या वो सही है, एक्यूरेट है या नहीं है। कई लड़कों को मैं देख रहा हूँ वो हताश है जब उन्हें पता चला कि भाई हमारी तो कट ऑफ ही 120 के ऊपर जानी है, तो फिजिकल करने से, फिजिकल की तैयारी करने से, दौड़ने से, अपना खून बहाने, पसीना बहाने से फ़ायदा क्या जब जो है साला फाइनल ही नहीं होना है। तुम तो ठीक है, तो आपके इसी डाउट को आज मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एसएससी जीडी फिजिकल मेडिकल सारी की सारी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहली बात ये कि अंकित भाटी सर की क्या कट ऑफ गलत है, क्या उन्होंने प्रिडिक्शन गलत करी है या सही करी है। देखो, पहले बात तो ये कि जो कट ऑफ सर ने बताई है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि रॉ मार्क्स के बेस पर नहीं, पहली बात तो। और नॉर्मलाइजेशन आपको पता है भाई, जब 12 14 15 नंबर तक का अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो कट ऑफ तो हाई रहनी है ही। लेकिन फिर एक बात आती है, क्या नॉर्मलाइजेशन ही पहली बार हो रहा है? पिछली बार भी तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था ना, 8 10 नंबर तो आपका पिछली बार ही बढ़े थे, जबकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो आज के समय में तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो नॉर्मलाइजेशन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही वो 10 नंबर बढ़े 20 नंबर बढ़े। तो क्या सच में 120 जो है वो कट ऑफ रहने वाली है? उससे पहले एक चीज आपको दिखा दूं, मैं बता दूं, कट ऑफ जो भी रहे और अंकित भाटी सर की प्रिडिक्शन सही हो गलत हो, उससे पहले एक बात कह दूं कि अंकित भाटी सर का हम सब सम्मान करते हैं, और मैं उन्हें ये नहीं कहना चाहता हूं कि उनकी प्रिडिक्शन खराब है या कुछ भी इस प्रकार से। लेकिन आप एक चीज खुद देखिए, अंकित भाटी सर ने जो पिछले बार की एसएससी जीडी की जो प्रिडिक्शन करी थी कट ऑफ की फिजिकल की, आप वो वीडियो एक बार देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई कि सबसे बड़ा जो टीचर है ना वो भी गलती कर सकता है। मुझे नहीं लगता अभी वर्तमान समय में कांस्टेबल लेवल पर कोई इतना बड़ा टीचर है जो इतने बड़े कैंडिडेट्स को, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को पढ़ा रहा है, उन्हें गाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे सर ने पिछली बार हमारे यूपी एरिया की जो कट ऑफ बताई थी फिजिकल के लिए, वो बताई थी 70 से 72, 70 से 72 बताई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। लेकिन आपको पता होगा कि 73 74 पर ही जो है फाइनल मेरिट लग गई थी, तो यानी कि गलती करी है सर ने वहां पर। अब उसमें गलती सर की नहीं है, वैसे मैं समझता हूँ आरडब्ल्यूए की उसमें गलती नहीं है, गलती मैं बताता हूँ कहाँ पर है उनसे और गलती क्यों हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे लड़कों ने डेटा अपना गलत दिया है, ऐसा भी नहीं है। तो मेन जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये है भाई कि सर ने जो गूगल फॉर्म आपसे फिलअप करवाया है उसमें गलती है, मैं समझता हूँ। जहां तक मेरा अंदाजा है ना, जो सर ने गूगल फॉर्म फिलअप करवाया आप सभी से यार, वो गलत फॉर्म करवाया है, वो गलत तरीके से फिल करवाया। एक्चुअली उन्हें फॉर्म कुछ इस प्रकार से फिल करवाना था कि सबसे पहले आपका नाम लिखते हो, नाम पूछ लेते हैं आपसे, फिर आपका स्टेट, आपका कैटेगरी एरिया कौन सी है वो पूछते, आपकी जो आपके जो आंसर की का लिंक है वो लेते वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा फिर आपसे पूछते कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे, आपसे फिर पूछते कि आपने कितने टोटल राइट किए हैं, आपके टोटल कितने रॉन्ग हुए हैं, इससे पता लगता है ना। लेकिन उन्होंने फॉर्म में क्या फिल करवाया? आपका नाम पूछा होगा शायद, उसके अलावा उन्होंने पूछा है कि उन्होंने पूछा था राइट क्वेश्चन या कुछ पॉजिटिव मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने वहां पर। आप लड़के इसी में कंफ्यूज हो गए थे कि हम यहाँ पर भरे लिखे तो लिखें क्या। मैं बताऊं 60% लड़के ऐसे थे जिन्होंने भी गूगल फॉर्म भरा है, लगभग 70 75 हज़ार का डेटा आया था, इसमें से कम से कम 30 हज़ार लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो है जितने उन्होंने सही कर रहे थे ना क्वेश्चन, वो लिखा, वो डाला हुआ है, यानी उन्होंने अपने मार्क्स घटा के नहीं डाला। अगर उन्होंने 120 स्कोर किया था पॉजिटिव में तो पूरा का पूरा 120 लिखा है, और अगर उनके 4 माइनस होने थे तो वो नहीं लिखा है उन्होंने। सीधी सीधी बात, पहली बात ये है, सबसे पहली बात, अगर आपने गूगल फॉर्म भरा है तो आपने खुद यह अंदाजा लगाया होगा कि उसमें थोड़ा सा एरर है गूगल फॉर्म फिलअप करने में ही। भाई जब मैं गलती कर सकता हूं तो जिनको नॉर्मलाइजेशन तक का पता नहीं है तो वो गलती नहीं कर सकता क्या? मैं जहां तक समझ रहा हूं तो कम से समझ लो भाई 5 नंबर का हेर फेर है इसमें, कम से कम 5 से 6 नंबर का हेर फेर जरूर आएगा, और ये गारंटेड मैं कह सकता हूँ लिख के अभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर ने गलती करी है इस चीज में। अगर आप किसी और का देखोगे ना रैंक आई क्यू का, आप देख लो प्रोडिक्शन वो सही क्यों बैठता है, क्योंकि भाई वो डेटा आपसे क्या ले रहा है। देखिए आप आरबी वाले सर हैं, रेवोल्यूशन बाई एजुकेशन, ठीक है, उन सर की देख लेना एक बार आप वीडियो, कि वो जब सीपीओ और सीजीएल की प्रोडिक्शन करते हैं तो क्या डेटा आपसे लेते हैं। यहाँ पर लड़कों को खुद कंफ्यूजन में होगी कि वो डेटा दे क्या रहे हैं और उन्हें देना क्या चाहिए। मैंने जितने राइट किए थे वो सब लिखा है, जितने मेरे पॉजिटिव मार्क्स थे वो डाला है, मैंने अपने मार्क्स निगेटिव करके नहीं डाला। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि और भी कई सारे लोग होंगे, ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने गलती करी होगी। तो ठीक है, तो
आरडब्ल्यूए की जो प्रिडिक्शन है उसमें गलती करने होने का मेन वजह यह है कि डेटा जो है वो कैंडिडेट का सही तरीके से आया नहीं है। आधे तो ऐसे होंगे, आधे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ होंगे ऐसे नमूने जो अपने नंबर को जानबूझ करके बड़ा चढ़ा करके डालेंगे, ठीक है, लेकिन वो उनका परसेंटेज बहुत कम होगा। जहाँ तक जितना भी है लड़का वो सही अपना स्कोर डालेगा, लेकिन मेन दिक्कत ये है ना कि लड़कों को कन्फ्यूजन हो गई कि हम उस जगह पर आकर डालें तो क्या डालें। मैं अंकित सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो इस वीडियो को और तक पहुंचे कैसे भी है, तो आप अगली बार से काम करना, गूगल फॉर्म जब फिलअप करवाते हैं तो उसको ना उससे डेटा आप क्या मांग रहे हैं कैंडिडेट से उस चीज़ पर ज़रा फोकस करें, क्योंकि आप जो डेटा ले रहे हैं क्या वो वाकई में वो डेटा है जो आपको चाहिए है या नहीं, इस बात पर एक बार जोर आपको गौर करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अंकित भाटी सर की गलती नहीं है इसमें, मैं समझता हूँ जो डेटा ले रहे हैं और जो डेटा हम उनको दे रहे हैं उसमें एरर है काफ़ी ज़्यादा, बस इसी वजह से मैं समझ रहा हूँ। तो 4 से 5 नंबर का फर्क आपका अंकित भाटी के सर की कट ऑफ में आएगा। ये आपने पिछले बार भी देखा था जब 2021 का जेडी का हुआ था, भाई 10-12 नंबर का फर्क आया था फिजिकल के और कट ऑफ में, और जो अंकित सर ने बताया 10-12 नंबर का फर्क, 10-12 नंबर समझ रहे हो, 10-12 क्वेश्चन का फर्क आ गया था पूरे। तो सोचो 10-12 क्वेश्चन कितना होता है यार, कोई छोटा मोटा अंतर थोड़ी है, लड़के तो हताश हो जाते हैं यार। अब जब उन्हें पता चलेगा कि भाई 120 जाने वाली है मेरिट, तो फिजिकल करने से फायदा क्या है, 110 वाला फिजिकल करेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, किसी की कट ऑफ पर भरोसा मत कर मेरे भाई, फिजिकल अगर तुम्हें चाहिए जॉब वगैरह ना तो फिजिकल अपना शुरू कर दो अभी से अगर खराब है तो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम मुझे गाली दो, कमेंट सेक्शन में कुछ भी अंडरस्टैंड लिखो, और मुझे तो फर्क उससे पड़ना है नहीं, तुम्हारे कैरियर है तुम जानो तुम न जानो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और अगली आपको कौन सी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और बाकी वीडियोज आपको चैनल के मिल जाएंगी चैनल पर, वहाँ पर जाकर देख लेना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।